मंगल करण जय गणपति गणराज प्रथम निमंत्रण आपको पूरण की जो काज विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नानाहराय गणनायक नमो नमस्ते। अब आप लोग कलश देव का ध्यान करें। बोधिपम देव स्वरूपम कर्म साक्षी आमित कर यावत कर्म समाप्ति से आवत धाम सुस्त्र भव कलश देवताभ्यो नमो नमः। ये आप एक कन्या के हाथ में दे दें, एक वर के हाथ में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब और कन्या का गठबंधन कर दीजिए। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। अब आप दोनों की शादी संपन्न हुई। अब आप सभी बड़ों का आशीर्वाद। ये तुमने अच्छा नहीं किया नीतू। मेरे प्यार को ठुकराकर तुमने किसी और को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया और मैं मेरे बारे में सोचा तक नहीं, एक बार भी नहीं। क्यों नीतू, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? अरे क्यों मुझको धोखा दिया? अगर तुम मेरी नहीं हो सकी ना, मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये जो खुशी वाली शाम है ना, उसको मैं मातम की रात बना दूंगा, मातम की। नीता, मैं जानता हूं कि तुम यही सोच रही हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, है ना? वो क्या है ना कि शादी तो मुझे करनी ही थी, तुमसे नहीं तो किसी और से। मेरे डैड ने मेरी जिंदगी में एक स्टूपिड से शर्त रख ली कि अगर मुझे अलग बिजनेस करना है तो मुझे शादी करनी है।
तो मैंने कर ली। डोंट वरी, सिर्फ एक शर्त थी जो पूरी हो गई। अब आगे क्या होगा ये ना वो जानते हैं ना मैं और ना ही हम जान सकते। तुम समझ रही हो ना कि मैं कहना क्या चाहता हूं? ये क्या? अब तुम घबराओ मत, कुछ छोटा सा होगा, मैं दो मिनट में देख कर आता हूँ। ओके? अरे लाइट को क्या हुआ? लाइट को क्या हुआ? लगता है बिजली चली गई। लेकिन पड़ोस के घरों में तो लाइट है। जरूर फ्यूज उड़ गया। माँ, माँ क्या हुआ, ये बिजली कैसे चली गई? लगता है फ्यूज उड़ गया। पता नहीं तुम्हारे बाबूजी कहाँ गए। कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ दीजिए मुझे। कौन है आप? आइए आइए मेजर राठौर, मैंने ही आपको फोन किया था। लाश कहाँ है? हाँ, वो रही। आइए आइए मेरे साथ आइए, देखिए रही। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम करो। और साहिल चीफ, ऊपर जाओ और उस कमरे की तलाशी लो जहां से खुली है। ऑल राइट चीफ। अब जरा इन्हें कमरा बताएंगे। जी आइए। चीफ, लगता है ये बेचारी शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए इसने आत्महत्या कर ली। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और इसकी शादी से ना खुश था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। क्वाइट पॉसिबल। चीफ, आपको क्या लगता है, ये हत्या है या फिर आत्महत्या? शाइना, इस बात का जवाब तो हमें इसका पति ही दे सकता है। ऑफ कोर्स ये आत्महत्या, क्योंकि जब नीता ने अपनी जान दी तब हम घर के सारे लोग यहीं नीचे थे। जब ये वारदात हुई तब घर का फ्यूज उड़ा हुआ था, घर पर अंधेरा था, तो आप ये सारी बातें इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो नीता की जान का दुश्मन हो। अरे हम तो अपने बेटे की शादी करके इस लड़की को ब्याह के अपने घर में लाए थे, भला हम उसकी जान क्यों लेंगे? अगर आप लोगों के पास उस लड़की को मारने का कोई कारण नहीं था तो उस लड़की के पास आत्महत्या करने का कारण तो होगा। था, उसके पास जान देने का कारण था। वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। एक्सक्यूज मी, आपका परिचय? ये मेरे दोस्त बलदेव की बेटी है सुमन। तो मिस सुमन, आप कैसे जानती है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी? आई मीन आप उसे जानती थी? नहीं, मैं नीता को नहीं जानती थी, लेकिन अखिल ने मुझे बताया था। जब आप लोग ये जानते थे कि नीता शादी के खिलाफ है तो फिर ये शादी? हम नहीं जानते थे। अगर जानते तो ये शादी क्यों करते? यस। तो फिर ये बात मिस सुमन कैसे जानती थी? मुझे ये बात अखिल ने बताई थी।
सिर्फ आपको। देखिए, सुमन और अखिल बचपन से ही दोस्त हैं, और कुछ बातें ऐसी होती है कि जो दोस्त आपस में ही शेयर करते हैं, शायद इसलिए। लेकिन मिस्टर अखिल, आप ये कैसे जानते थे कि नीता आपसे शादी नहीं करना चाहती? और अगर जानते थे तो फिर आपने ये शादी क्यों की? क्योंकि मुझे लगता था कि शादी के बाद शायद वो ये सारी बातें भुला दे। और आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अपनी पत्नी के बारे में ये सब बातें कैसे जानते थे जो आपके परिवार वाले भी नहीं जानते? क्योंकि नीता ने मुझे खुद बताया था। 2 दिन पहले नीता का मुझे फोन आया था। हेलो अखिल जी, बोल रहा हूँ। अखिल, मैं शादी नहीं कर सकती। तुम इस शादी से इनकार कर दो, बस तुम इस शादी को रुकवा दो प्लीज। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? अखिल, मैं नीता। देखो अखिल, ये शादी नहीं बर्बादी है। इससे नहीं तुम खुश रहोगे, नहीं मैं। अखिल अखिल प्लीज, ये शादी तुम किसी तरह रुकवा दो। ये क्या बात हुई नीता? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो तुम मना कर देती। तुमने हाँ क्यों की? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अखिल? अगर मैं इस हालत में होती कि शादी से इनकार कर पाती तो देखो प्लीज मैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नीता? मैं तुम्हें पसंद नहीं। अखिल, ऐसी बात नहीं है। फिर तुमसे शादी करके कोई भी खुश रहेगा। दरअसल मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मम्मी पापा को वो पसंद नहीं है, और वो जबरदस्ती इसलिए मेरी शादी तुमसे करा देना चाहते हैं। देखो तुम प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। देखो नीता, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारा फैसला, इसका पूरा हक तुम्हारा है। लेकिन इस शादी को तोड़ने का इल्जाम मैं अपने सर भी नहीं ले सकता। सॉरी, आई कांट हेल्प यू। अखिल प्लीज समझो। देखो, अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो धर्म अपनी जान दे देगा, मर जाएगा वो। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो ये शादी होने ही नहीं देगा। मंडप से उठाकर तुम्हें भगा ले जाएगा। बट अगर वो ये नहीं कर पाता तो फिर वो शायद तुम्हारे लायक ही नहीं। उसका प्यार उतना सच्चा और उतना गहरा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी के लिए 2 परिवारों के मान मर्यादा को दांव पे लगाना चाहिए। That's not correct for me. तो जो भी करना है अब तुम्हें करना है। I can't help you. Sorry. हेलो अखिल। ओहो, अपनी होने वाली बीबी से बात कर रहे थे। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता था कि एक बार शादी हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि नीता इस हद तक जा सकती है, वरना मैं ये शादी कभी नहीं करता। मुझे तो यकीन नहीं होता कि शिवदत्त और मंदिरा ने अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। माफ कीजिएगा मिस्टर राजवी, लेकिन ऐसी बातें बताई भी नहीं जाती। और इस बात का सबूत है कि ये बात सच है कि आपकी बहू का कोई अफेयर था। क्या मतलब है आपका? तो क्या अखिल झूठ बोल रहा है? आपने आपका नाम क्या बताया? बलदेव। यस, बलदेव। मिस्टर बलदेव, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इंसान अपनी जान बचाने के लिए कभी भी झूठ बोलने पर उतर आता है। अगर आपको अखिल की बात पर विश्वास नहीं है तो नीता के घर वालों से पूछ लीजिए। राइट, वो लोग आपको बता देंगे कि नीता का किसी के साथ अफेयर था या नहीं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारी बेटी ने अपनी जान गंवा दी और वो उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे। धिक्कार है।
क्या ये बात सच है मंदिरा जी? आपके दामाद का ये कहना है कि आपकी बेटी किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी? झूठ है, सरासर झूठ है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। अगर उसे जान ही देनी थी तो वो शादी से पहले जान दे देती। उसने आत्महत्या नहीं की। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि नीता का कत्ल किया गया, लेकिन वो लोग नीता का कत्ल क्यों करेंगे? कहीं कोई दहेज वहेज का मामला तो नहीं है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा था, मगर मुझे यकीन है नीता ने आत्महत्या नहीं की। लेकिन ये बात भी तो सच है ना शिवदत्त जी, कि आपकी बेटी किसी और से प्यार करती थी? लेकिन इस उम्र में तो ऐसा होता ही है। अगर कोई अच्छा लगने लगता है तो बच्चों को लगता है कि उन्हें प्यार हो गया है। लेकिन नीता इस भ्रम से निकल चुकी थी। वो जानती थी कि उसे प्यार के नाम पर सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। वो लड़का पिछले 3 साल से उससे शादी करने के लिए वादे कर रहा था, लेकिन जुए और शराब से उसे इतनी फुर्सत ही कहां मिली। इसलिए नीता ने खुद उससे अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन अगर ये बात थी तो शादी से 2 दिन पहले नीता ने अखिल को फोन क्यों किया था? जरूर ये उसी धर्म की करतूत होगी। उसने वहां पर आकर उसे अपने प्यार का वास्ता दिया होगा, अपनी जान देने की धमकी दी होगी। लेकिन क्या सचमुच में धर्म नीता के लिए अपनी जान दे सकता था? वो नीता के लिए क्या, किसी के लिए भी जान नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन शराब की नशे में धुत होकर वो किसी की जान जरूर ले सकता है। शाना। चीफ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि नीता की मौत सर के बल जमीन पर गिरने से हुई थी। इसका सर फटा और बहुत खून बहा। इससे एक बात तो जाहिर है, नीता ने छलांग नहीं लगाई थी बल्कि ऊपर से किसी ने उसे धक्का दिया था। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। नीता ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। एग्जैक्टली जी, क्योंकि अगर नीता ने छलांग लगाई होती तो वो पैरों के बल जमीन पर आती, सर के बल नहीं। एक आध फ्रैक्चर होता लेकिन उसकी मौत नहीं होती। चीफ, लाश के पास से जो फुटप्रिंट्स मिले थे उन्हें घर में रहने वाले हर आदमी के जूते से मैच किया गया, लेकिन वो फुटप्रिंट्स उनमें से किसी आदमी के नहीं है। इसका मतलब ये है कि कातिल बाहर का है। राइट, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स बाउंड्री वॉल से अंदर आते हुए मिले। और एक खास बात, वही फुटप्रिंट्स वापस बाउंड्री वॉल की तरफ जाते हुए मिले। इसका मतलब ये कि हत्यारा बंगले की दीवार फान कर अंदर आया, उससे बंगले में घुसकर बंगले का फ्यूज उड़ा दिया और अंधेरे का फायदा लेकर वो नीता के कमरे में चला गया। वहां उससे नीता की हत्या की और फिर वहां से चला गया। चीफ, और एक खास बात, और वापस जाते हुए हमें जो फुटप्रिंट्स मिले हैं उन पर खून के धब्बे, और वो खून नीता का ही है। ग्रेट, यानी कातिल अपने साथ ही कत्ल का सबूत लेकर घूम रहा है। आई थिंक हमें सबसे पहले इसके पहले आशिक, क्या नाम उसका, धर्म, उस धर्म से पूछताछ करनी होगी। कहां रहता है ये धर्म? धर्म वर्मा। यस। आप लोग कौन हैं? हम लोग कमांड फोर्स से हैं। तुमसे कुछ पूछताछ करने आए। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है जल्दी पूछिए, मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों, बड़े जल्दी में हो, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता मैं? पहले हमारे सवाल का जवाब तो दे दो। नीता को जानते हो तो? हाँ, लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, उसकी शादी हो चुकी। ये मान लीजिए कि इसी कारण से मैं ये शहर छोड़कर गांव जा रहा हूँ। तो तुम्हारा दिल टूट गया, राइट? यही समझ लीजिए। आखिरी बार कब मिले थे नीता से? ये कोई 1 हफ्ते पहले, अपने
प्यार की दुहाई देने गया था, मगर उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर एक पैसे वाले आदमी से शादी कर ली। यही सच है ना? नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं थी। अरे ये तो उसके माँ बाप के कारण उसने ये सब किया। उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि मुझ जैसे गरीब और नाकारा फोटोग्राफर से उसकी शादी हो। वो ऐसी लड़की नहीं थी। थी? मतलब तुम जानते हो कि नीता मर चुकी है? मेरा मतलब वो तो, और इसीलिए जानते हो क्योंकि तुमने उसका, यही है। ये देखिए चीफ, वो फुटप्रिंट के निशान इसी जूते के, और इस पर खून भी लगा है। और एक छोटा सा टेस्ट ये साबित कर देगा कि ये खून नीता का है। और क्या अब भी तुम यही कहोगे कि नीता का खून तुमने नहीं किया? हाँ, मैं कबूल करता हूं कि मैं उस रात को नीता से मिलने उसके पति के घर गया था, पर आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये खून नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, ये खून किसी और ने किया है। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि नीता ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है? हाँ, क्योंकि मैंने उस रात वो खून होते हुए देखा। जब मैं वहां पहुंचा तो अचानक बंगले की लाइट चली गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वहां काफी हड़कंप सा मच गया था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मैंने ऊपर उस खिड़की की तरफ देखा जहां से नीता आकर गिरी थी। वहां कोई ना कोई था। अंधेरे में मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन यकीनन वहां कोई था। कहानी तो अच्छी है, पर हम ये कैसे मान लें कि ये कहानी सच्ची? कहानी? अरे मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, आप लोग जिसकी कसम चाहें। चीफ, एक सेकंड, ये जो कह रहा है सच कह रहा है। जो पैरों के निशान बाउंड्री वॉल से लास्ट तक आए थे वो बंगले की तरफ नहीं जाते थे, और अगर किसी ने नीता को धक्का दिया तो वो धर्म नहीं हो सकता। बात तो ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने नीता का खून नहीं किया। फिर तुम नीता के घर वहां गए थे क्यों? मैं उस रात कत्ल करने गए थे, बदला लेने गए थे, लेकिन किसी और ने उसे मार दिया, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई खून वो नहीं किया है। तो फिर क्या शादी की बधाई देने गए थे? नहीं, मैं उसे अखिल की असलियत बताने गया था, उसके चेहरे पर से शराफत का नकाब उतारने गया था। अरे उसको सबके सामने बेइज्जत करने गया था। क्या मतलब? मैं उसे अखिल की वो फोटोग्राफ दिखाने गया था जो मैंने शादी से कुछ दिन पहले खींची थी। बेचारी नीता, वो तो उसे देवता मानती थी, देवता। बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है। अखिल का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और मैंने उसकी वो फोटोज खींच ली। ये देखिए, अजीब बात है राजवीर, मैं यहां आया था तुम्हारी खुशियों में शरीक होने, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मातम में शरीक होना पड़ेगा। शायद इसी को भाग्य कहते हैं।
सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य। बलदेव, मेरे बेटे की किस्मत ही खराब है। इसे अपनी जीवन साथी मिली भी नहीं थी कि दुर्भाग्य ने उसे फिर अकेला कर दिया है। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? एक ढूंढो तो हजार मिलेगी। हाँ बस माँ, आप लोगों की जिद की वजह से मैंने ये शादी की। अब कोई शादी वादी का चक्कर नहीं चाहिए मुझे, और अगर मैंने शादी की भी तो आई मेक श्योर कि अपनी मर्जी से करूं। वाह, बहुत खूब। अभी तक आपकी बहू के अंतिम संस्कार भी नहीं हुए और आप लोग अपने बेटे की दूसरी शादी के मंसूबे बनाने लगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा उस चरित्रहीन लड़की के लिए जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहे? I'm sorry, Mr. Rajvi, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कत्ल के अपराधी को कोई भी अदालत शादी की मोहलत देगी। What? कत्ल? And for your kind information, नीता देवी बेडरूम से सिर के बल नीचे गिरी थी। वो खिड़की से कूदी नहीं थी बल्कि उन्हें धक्का दिया गया था। अरे आप लोग ये क्या कह रहे हैं? नीता को कोई भला क्यों धक्का देगा? Exactly, नीता को कोई धक्का क्यों देगा? नीता को वही आदमी धक्का मारेगा जिसे उसकी मौत से फायदा हो सकता हो, और वो आदमी तुम हो अखिल। तुम? मैं? अखिल? अखिल ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अखिल की शादी नीता से मजबूरी में जो हुई थी, और वो प्यार किसी और लड़की से करता था, और इसीलिए नीता को अपने प्यार के रास्ते से हटाने के लिए उसने नीता की हत्या कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप? अखिल किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन किससे? आपके परम मित्र मिस्टर बलदेव की बेटी सुमन से। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप मेरी बेटी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। ये सच्चाई है बलदेव साहब, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। साहिल, ये रही वो तस्वीरें। पूछिए अपने बेटे से, क्या ये तस्वीरें भी झूठी है? नहीं, ये तस्वीरें सच्ची है। और ये बात भी सच है कि मैं और सुमन सिर्फ दोस्त नहीं, दोस्त से कहीं बढ़कर है। लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने नीता का खून नहीं किया, क्योंकि नीता की मौत के बाद भी मैं और सुमन तो शादी नहीं कर सकते ना। क्यों? क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा है। हम रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। भाई बहन? ये कैसे हो सकता है? आप दोनों तो एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है ना? हाँ, हम लोगों का गोत्र एक ही है। इस नाते सुमन और अखिल भाई बहन होते हैं। अरे शादी करना तो दूर, शादी के बारे में भी सोचना इनके लिए महापाप है। लेकिन सर, हम ये बात पहले नहीं जानते थे। पर जब मैंने पापा से इस बारे में बात की तब मुझे पता चला। करेक्ट सर, वरना मुझे नीता से शादी करने की जरूरत ही क्या थी? हमारे परिवार की नजरों में हमारा रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा। अब आप ही बताइए सर कि नीता की मौत से मुझे क्या फायदा हो सकता है? लेकिन धर्म का कहना है कि उसने किसी को नीता की हत्या करते हुए देखा था। धर्म? वो लड़का जो नीता से प्यार करता था, वो उस रात यहां आया था।
नीता को अखिल और सुमन के रिश्ते के बारे में बताने के लिए। कम ऑन ऑफिसर, आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि वो अखिल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे बदला लेना चाहता है, इसलिए ये सब कह रहा है। क्या सच है और क्या झूठ, इस बात का तो बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। पर आप सभी लोग एक बात याद रखिएगा, हमारी इजाजत के बगैर इस घर का कोई भी सदस्य ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। क्यों इन तस्वीरों को देखकर अपने आप को दुख दे रही हो? हटाओ इन तस्वीरों को अपने सामने से। इन तस्वीरों को तो अपने सामने से हटा दूं, मगर अपनी बेटी का चेहरा जो मेरी आंखों के सामने दिन रात घूमता रहता है, उसका क्या करूं? न जाने क्या दुश्मनी थी किसी की उससे, जो उसने उसकी जान ले ली। I'm sorry, मंदिरा जी, लेकिन हालात ये कहते हैं कि नीता ने आत्महत्या की। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? देखिए, वो कत्ल की तरफ इशारा जरूर करती है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर से छलांग लगाते समय नीता का पैर कहीं उलझ गया हो, इसीलिए वो सर के बल नीचे गिरी हो। समझा, तो आप भी हो रसूख वालों की बातों में आ गए। देखिए, हम किसी की बातों में नहीं आए, लेकिन हर कत्ल के लिए एक मकसद होता है, लेकिन इस कत्ल के लिए तो कोई मोटिव ही नहीं मिल रहा है। ये फोटोग्राफ शादी के हैं, राइट? हाँ, कितने अरमानों के साथ हमने अपनी बेटी की शादी की थी, पर अब सारे अरमान उसकी चिता के साथ राख हो जाएंगे। एक बात बताइए, आपके साथ हर फोटोग्राफ में ये औरत है, ये कौन है? ये कौशल्या है, नीता की मौसी, मेरी दूर की बहन है। कौशल्या, ये नीता के कत्ल के बाद हमने इन्हें कभी नहीं देखा। वो हमारे साथ नहीं रहती, गांव में रहती, नीता की शादी के लिए यहाँ आई थी। तो शादी के बाद यहाँ ठहरी नहीं? वो ठहरी तो थी, लेकिन चली गई। कमाल है, जिसकी शादी के लिए आई थी उसके अंतिम संस्कार तक भी नहीं रुकी। क्या आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? जिस रात नीता की शादी हुई उसी रात उसने आत्महत्या कर ली, या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी, और उसी रात आपकी एक खास मेहमान वापस चली गई। क्या इन दोनों बातों का कोई रिश्ता नहीं होगा? क्या अब कहना क्या चाहते हैं कि कौशल्या ने? नहीं नहीं, देखिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन आप कौशल्या को नहीं जानती है। वो नीता को अपनी बेटी की तरह मानती थी, वो नीता की हत्या के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वो उससे उतना ही प्यार करती थी जितना कि मैं करती हूँ। मंदिरा जी, हमने प्यार के इतने रूप देखे हैं कि प्यार करने वालों पर विश्वास नहीं रहा हमें। एनीवेज, क्या आप हमें कौशल्या जी का एड्रेस बता सकते हैं? हम लोग कमांड फोर्स से हैं। क्या आप ही कौशल्या देवी हैं? जी हाँ, कहिए। नीता के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। नीता के बारे में? कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं? नीता की माँ ने बताया कि आप नीता को बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल बेटी जैसा मानती हैं आप उसे। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी जैसी ही है, मेरी अपनी तो कोई औलाद है ही नहीं। तो फिर आप उसकी शादी छोड़कर यूं अचानक अपने घर क्यों आ गई? वो दरअसल नीता की विदाई के बाद मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। कमाल है, मंदिरा जी ने तो ये कहा था कि आपको कुछ काम याद आ गया था। हाँ, वो काम भी था। दरअसल स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चों के एग्जाम्स हैं तो आना पड़ा। बच्चों के एग्जाम्स, और ये बात आपको अचानक याद आई? देखिए, आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आखिर बात क्या है?
चलिए सारी बातें छोड़िए, आप ये बता दीजिए कि आप कौन सी ट्रेन से वापस आई थी, रात की या दोपहर की? देखिए मैं किसी भी गाड़ी से वापस आई हूँ, इससे आपको क्या? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप रात की ट्रेन से वापस आई थी। हाँ तो क्या हुआ? तो ये कौशल्या जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको रातों रात वापस आना पड़ा? देखिए देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं आपको बताता हूँ, उस रात ऐसा कुछ हुआ जिससे आप नीता का खून करने पर मजबूर हो गई, इसलिए आप नीता के ससुराल गई, आपने उसका खून किया और उसके बाद चुपचाप यहां अपने घर आ गई। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है, नीता की हत्या हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे आशीर्वाद देके विदा किया था, कोई उसकी हत्या क्यों करेगा? यही तो हम आपसे पूछने आए हैं, आपने नीता की हत्या क्यों की? मैं नीता की हत्या कैसे कर सकती हूँ? अगर आपने नीता का कत्ल नहीं किया कौशल्या जी, तो आप ये बताइए आप अचानक वहां से चली क्यों आई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी को पता चले कि नीता मेरी बेटी है। नीता मेरी ही बेटी थी, एक बिन बिहाई माँ की औलाद जिसे पाला पोसा मंदिरा ने जरूर, लेकिन उसे जन्म मैंने दिया था। अब आप ही बताइए, माँ अपनी बेटी का खून कैसे कर सकती है? कैसे? बात क्या है मेजर राठौर, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? मैंने आप सभी को यहाँ ये बताने के लिए इकट्ठा किया है, नीता ने आत्महत्या नहीं की थी, नीता की हत्या हुई है। उस रात वो हत्यारा इसी बंगले में था और उसी ने शॉर्ट सर्किट के जरिए इस बंगले का फ्यूज उड़ा दिया और फिर अंधेरे का फायदा लेकर वो नीता के रूम में चला गया और उसी ने नीता को ऊपर से नीचे फेंक दिया। अच्छा, तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि हत्यारा कौन है और उसने नीता की हत्या क्यों की थी? ये बात आपको मैं नहीं, नीता की माता जी बताएंगी। मंदिरा, मंदिरा नीता के हत्यारे को जानती है? जी नहीं, मंदिरा देवी नीता की मां नहीं है, बल्कि शिवदत्त और मंदिरा देवी ने नीता को सिर्फ पाला पोसा है, लेकिन नीता को जन्म किसी और ने दिया था। कौशल्या देवी ने? मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। कौशल्या, कौशल्या नीता की माँ है? जी हाँ, यही नीता की असली माँ है और ये बात नीता भी नहीं जानती थी। लेकिन जब कौशल्या जी ने हमें नीता के असली पिता के बारे में बताया तो हमें ज्यादा देर नहीं लगी ये जानने के लिए कि नीता का कातिल कौन है और उसने कत्ल क्यों किया। नीता का हत्यारा और कोई नहीं, उसका पिता है, उसका असली बाप। असली बाप कौन है वो? बलदेव, क्यों किया तुमने ऐसा? ये क्या बकवास है, ये औरत क्या कह रही है, मैं इसे नहीं जानता। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस्टर बलदेव, क्योंकि एक मामूली सा डीएनए टेस्ट से साबित कर देगा कि नीता तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारा अपना खून। डैडी, डैडी आप,
था। ये सच है, नीता मेरी बेटी थी, मेरी नाजायज बेटी। उस रात शादी में जब मैंने कौशल्या को देखा तो मैं उसे पहचान गया। मैं कौशल्या से मिलकर उससे अपनी औलाद के बारे में पूछना चाहता था, जिसकी मैं शक्ल तक नहीं देख सका था। नहीं मिंद्रा, मुझे जाना होगा, मेरा यहाँ अब रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन तुम ऐसे कैसे बीच में से अपनी बेटी की शादी छोड़कर जा सकते हो? नीता पर तुम्हारा भी तो अधिकार है, आखिर तुमने उसे जन्म दिया है। नहीं मंद्रा, ये बात भूल के भी अपनी जुबान पे मत लाना। और एक बिन ब्याही माँ की औलाद से कौन शादी करेगा? ये सब जानने के बाद कि नीता मेरी बेटी है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नीता का गोत्र तो वही हुआ ना जो मेरा है, और वही अखिल का भी। बस मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने शॉर्ट सर्किट से फ्यूज उड़ा दिया। बेटी, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने एक भाई बहन को मां बाप करने से बचाया। महाबाप? किस बाप की बात कर रहे हो तुम बलदेव? महाबाप तो तुमने उस दिन किया था जिस दिन तुमने एक बिन ब्याही लड़की को मां बना दिया था। और एक बात बताओ, जिस धर्म ने भाई बहन की शादी को पाप करार दिया है, क्या उसी धर्म में हत्या से बड़ा और कोई पाप है? तुम एक पाप करके दूसरा पाप रोकने चले थे, लेकिन एक बात याद रखना बलदेव, तुमने जो पाप किया है उसके लिए ना ही तुम्हें भगवान माफ करेगा और ना ही कानून। यू आर अंडर अरेस्ट।